हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस समय हम लोग डलहौजी में हैं और डलहौजी में करीब 1-2 किलोमीटर की रेंज में हम लोग आज पैदल घूमने वाले हैं। तो चलिए आइए घूमते हैं हम लोग। इस होटल में रुके हैं हम लोग। ये होटल बस इधर से रास्ता है और ये रोड सीधे आपका बस स्टैंड गया है। बस स्टैंड के ठीक सामने इधर होटलों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमको कैब लगा कर टहलना पड़ रहा है यहाँ पर। चलिए अब आपको माल रोड घुमाते हैं। अब इधर से हम लोग माल रोड के लिए चलते हुए और ये बस स्टैंड है और वो सामने से जो रास्ता गया हुआ है ये सुभाष चौक गांधी चौक ले गया है। और रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है जैसा कि देख रहे हैं आप। इधर माल रोड जा रहे हैं, उधर रोड से भी जा सकते थे लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है। और इधर से आए हम लोग, ये देखिए इधर से आए नीचे खजियार के लिए चला गया है। और ये देखिए रास्ते में एक खंडहर टाइप का मिलेगा आपको और ये हम लोग शॉर्ट मार रहे हैं माल रोड जाने के लिए। चढ़ाई बहुत कठिन टाइप की है और बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में चल रहे हैं। ये भी है, इधर से भी वो आए हम लोग उधर से और ये घूम के आए इधर से इस तरफ से आके। आप इधर से भी आ सकते पैदल क्योंकि बस स्टैंड के पास होटल बहुत सारे हैं और आपको आपके बजट के अनुसार बजट जो आपका पॉकेट रहेगा उसके हिसाब से रूम और होटल वगैरह मिल जाएंगे। तो हमने इसीलिए माल रोड पे नहीं लिया, बस स्टैंड के पास लिया। ये देखिए नज़ारे, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और वो देखिए बर्फ ही बर्फ है, ये देख रहे हैं कितना बर्फ है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है और यहाँ पर आप खड़े होकर जब अपने कपल के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे तो कितना प्यारा व्यू आएगा। और ये पीछे से इधर से हम लोग आ रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ की खूबसूरती आपका दिल मोह लेगी और आप यहाँ ज़रूर आए, वीडियो देखिए। और ये माल रोड का रास्ता है और ये इधर से हम लोग आए हैं नीचे बस स्टैंड की तरफ से पैदल आए हैं। 1 किलोमीटर करीब हम लोग पैदल चल के आए हैं। खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं नॉन वेज वगैरह की, वेज नॉन वेज। और ये गांधी चौक आ गए हम लोग। इस तरफ से, इस साइड से आए हम लोग। रोड में ही ये चर्च है। ये देखिए इधर से गेट बना हुआ है और उधर से आए हैं हम लोग। और ये पीछे की तरफ रोड बनी हुई है माल रोड की। ये देखिए खूबसूरती डलहौजी की। और अभी हम लोग इस साइड से आए हैं गांधी चौक और इस ये राइट साइड में चर्च है और इस तरफ चलते हैं। यहाँ से लक्कड़ मंडी 9 किलोमीटर, भोलेनी माता मंदिर का जो है 13 किलोमीटर और खजियार का भी वे है, खजियार यहाँ से 22 किलोमीटर है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो चलने पे तो बहुत ज़्यादा गर्म लग जा रही है, लेकिन खूब ठंडी हवाएं हैं और टेम्परेचर करीब 20 इसके करीब टेम्परेचर है, ठंडक है। और बस ये है कि आप जब बैठे रहेंगे तो ठंड लगेगी, जब चलते रहेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। आइए आपको डलहौजी का थोड़ा चटर मटर चीज़ें दिखा दें। व्यू ही अलग है, नज़ारे ही अलग हैं। शाम के 7:30 बज गए हैं, अब हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अपने होटल में। शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है, हम लोग आज का ब्रेकफास्ट करने आए हैं और ये रिसेप्शन है, आलू पराठे ऑर्डर कर दिया। ये कितना खूबसूरत है। और इधर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए दोनों भाई बैठे हुए हैं, पराठा आ गया है और चाय, अब हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। आलू पराठा बहुत ही टेस्टी है और चाय भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये सुभाष बावली दिखाते हैं आपको, सुभाष चंद्र बोस जी की बावली है यहाँ पर। ये है सुभाष बावली, ये देखिए लोग उधर से आए और ये नीचे का नज़ारा देखिए। सुभाष चौक पर इस समय हम लोग हैं और ये सुभाष चौक का कुछ नज़ारा इस तरह का है, इस तरह से देखिए। ठीक सामने फ्रांसिस चर्च है, देखिए चर्च, चर्च थोड़ा हाइट पर है। चलिए आपको चर्च दिखाते हैं। रास्ता बना हुआ है,
ऊपर जाने का। ये अभी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चर्च के बाहर ही ये खरगोश और मुर्गियां पली हुई हैं। आपको मालूम है डलहौजी, हम लोग आ गए हैं। रोड ट्रिप आपको दिखाया पिछले एपिसोड में। अब इस एपिसोड में आपको हमने पूरा डलहौजी घुमाया, माल रोड घुमाया। तो कैसा लगा ये व्यूज़? इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाएं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।